डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, मैथमेटिक्स में अभी हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ रहे हैं। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग तीन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। हालांकि ये चैप्टर तुरंत स्टार्ट ही हुआ है, तो हम लोगों ने पढ़ा है घन के बारे में, घनाभ के बारे में और बेलन के बारे में। ये तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है पार्श्व पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत किए हैं, तो उसका स्टार्टिंग ही है। और स्टार्टिंग में वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो फार्मूला बोलें, थ्योरी बोलें, वो मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज पढ़ते हैं हम लोग एक नए टॉपिक्स जिसका नाम है शंकु। तो सबसे पहले सभी चीज़ों के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में मिले तो हम लोग उसको कर सकें, जैसा कि अभी हम तुरंत समझाए आपको, बताया आपको। तो शंकु को सबसे पहले आप जानिए कि इंग्लिश में इसको कोन कहते हैं, CONA। इसका आकृति बिल्कुल आइसक्रीम का, जो हम लोग खाते हैं आइसक्रीम, उसके जैसा होता है, या फिर बर्थडे कैप, जो बर्थडे में कैप पहना जाता है, बर्थडे का जो टोपी होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, शंकु के आकार का होता है इस तरीके से। और शंकु के नीचे वाला भाग में एक वृत्त जैसा नज़र आता है, उसकी मान लो कि वो नीचे वाला जो वृत्त टाइप में गोला ऐसे नज़र आता है, उसकी त्रिज्या कितनी है, R। और जो तिर्यक ऊंचाई होता है, देख रहे हैं शंकु में, शंकु की ऊंचाई ये वाला हुआ, इसको कहते हैं H। H मतलब शंकु की ऊंचाई। और एक होता है शंकु की तिरछी ऊंचाई, जिसको L कहते हैं। L मतलब हुआ आपको कि शंकु का तिरछी ऊंचाई कितना है, इस तिरछी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, ये L क्या बतला रहा है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, H, और त्रिज्या कितनी है, R। तो याद रखिएगा, शंकु में L दर्शाता है तिर्यक ऊंचाई को, शंकु में H दिखाता है शंकु के ऊंचाई को, और शंकु का R दिखाता है शंकु की त्रिज्या को। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे L का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक कभी कभी आपको सवाल में दिया रहेगा कि शंकु की त्रिज्या कुछ दिया है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई एक तरह का कर्ण है, तो याद रखिएगा तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र है। तिर्यक ऊंचाई निकालते कैसे हैं, तो यही फार्मूला से, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एच है, ये आर है। पाइथागोरस प्रमेय में भी हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं, तो जो मुड़ा हुआ है, आप शंकु के ये वाला भाग जो दिख रहा है ना, ये वाला जो ऊपर से बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, नीचे तो खाली रहता है, बर्थडे कैप वाला में देखते होंगे, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये क्या है, ये तो खाली है जिसमें मुंडी डालते हैं इसमें, और बाकी ऊपर वाला भाग इधर क्या होता है, वर्काकार होता है, बिल्कुल सीधा थोड़े ना होता है, मुड़ा हुआ रहता है, उसको आप टच कीजिए तो मुड़ा हुआ वर्काकार उसको कहते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद रख लीजिएगा पाई आर एल होता है। पाई का मतलब तो जान रहे हैं, आर मतलब त्रिज्या, और एल यहाँ रखते हैं, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई रखते हैं, इसीलिए हम पहले आपको बता दी कि एल निकालना कैसे है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर से एल निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं शंकु में। तो दूसरा फार्मूला है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र का तो मतलब जान रहे ना कि नीचे वाला को छोड़ दिया गया है, जिसमें मुंडी डालते उसको छोड़ दिया गया है, उसको छोड़कर वक्र पृष्ठ। और जब पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो सोचिए पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ऊपर वाला तो रहेगा ना, ये वक्र वाला तो रहेगा ही, नीचे वाला एक वृत्त टाइप में नजर आ रहा है, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल को भी जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, तभी हो जाएगा शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको एक और तरीका से भी हम बोल सकते हैं, पाई आर को कॉमन कर लीजिए और एल प्लस आर बचेगा। तो इस तरीके से शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। फिर हम लोग बात करते हैं शंकु के आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु के आयतन पर विचार करेंगे तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान कर लीजिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच मतलब ऊंचाई शंकु का। तो शंकु से रिलेटेड इतना ही चीज हमें जानना था, समझना था। तो आप शंकु से रिलेटेड तीन फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पूर्ण पृष्ठ, पूर्ण का मतलब समूचा टोटल, और आयतन कितना होता है। एल के बारे में जरूर याद रखिएगा कि शंकु के लिए जो एल है वो तिर्यक ऊंचाई को दिखाता है, और तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला है रूट अंडर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों अर्धगोले। अर्धगोला बोलिए, अर्धगोले बोलिए, इसको इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोलते हैं हेमी स्फेयर, एस पी एच ई आर ई, हेमी स्फेयर इसको बोलते हैं, अर्धगोले। अब अर्धगोले का फिगर कैसा होता है, तो अर्धगोले का फिगर नाम ही से पता चल रहा है, अर्धगोला नाम से ही पता चल रहा है कि ये है क्या, अर्धगोला है। अर्धगोला का मतलब गोला का एक भाग, गोला को जब हम बीचों बीच काट देंगे तो अर्धगोला बनता है। इस अर्धगोले का भी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या मान लीजिए आर। याद रखिएगा अर्धगोले का त्रिज्या अगर आर है तो सभी तरफ आर आर त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, सब बराबर है। यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको पहला सवाल ये उठता है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, एक बार आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तरबूजा को बीचों बीच काटना है। तरबूजा को जैसे ही बीचों बीच कट करते हैं तो कुछ ऐसा भी भाग होगा जो मुड़ा हुआ होगा, और एक भाग जहाँ पे काटे हैं ऊपर वाला वो बिल्कुल प्लेन होगा, इधर वाला भाग क्या होगा, इधर वाला भाग मुड़ा हुआ होगा ऐसे करके, तब इसको हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखिएगा 2πr² होता है। क्या होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, 2πr². फिर बात करें तो अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जब अर्धगोले का पूर्ण बोल दिया, इसका मतलब जहां पे तरबूजा को काटे हैं ऊपर वाला एकदम प्लेन सतह जहां पे काटे हैं वो, और इधर वाला दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऊपर वाला जब हम लोग करेंगे तो एक वृत्त नजर आएगा, तो 2πr² ये तो हो गया वक्र का, और जब पूर्ण निकालते हैं पूरा निकालते हैं तो वक्र वाला के साथ साथ और भी जोड़ते हैं, तो वक्र वाला यहाँ से यहाँ तक तो निकल गया है, ऊपर वाला वृत्त दिख रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है
पायर स्क्वायर। इस तरीके से अगर सवाल आपसे कोई पूछे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो याद रखना है 2πr², और अर्धगोले का ही पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो 3πr² कहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा फार्मूला भी है कि अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो इसका होता है 2/3, 2/3 πr³, यानी इसको कहेंगे 2/3 πr³। तो देखिए, ये था अर्धगोले के तीन इम्पोर्टेंट फार्मूला कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है और अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सबसे लास्ट है, यानी कि टोटल 6 के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। पहला घन पढ़े थे पिछले क्लास में, घनाभ भी हुआ था, बेलन भी हुआ था। आज डिस्कस किए हम लोग शंकु, अर्धगोले, और एक लास्ट बचता है हम लोगों का गोला या गोले। इसको इंग्लिश में स्फेयर कहते हैं। इसकी आकृति बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल होती है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर इसको आप गोला बोलेंगे कि वृत्त बोलेंगे। वृत्त का मतलब होता है सिर्फ आप पेपर पे, कॉपी पे अगर ऐसा गोल लाइन खींचते हैं, गोल गोल अगर खींचते हैं तब इसको कहेंगे दोस्त वृत्त। लेकिन इस वृत्त में, इस गोलाकार में अगर आप हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं गोला। जैसे कि ये अब आपको लगने लगा होगा कि यह एक क्या है, गोला है, चारों तरफ से फूला हुआ है, ये एक तरह का गोला है। और गोले का भी कुछ ना कुछ केंद्र होगा बीचों बीच में, और उसकी त्रिज्या होंगी आर, यानी कि याद रखिए गोले में भी केंद्र होते हैं और गोले की भी त्रिज्या होती है जिसको बोला जा रहा है आर। अब आपको समझना चाहिए पहला फार्मूला को कि कोई बोले कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें गोला, तो गोला का अगर पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले चाहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, कुल मिलाकर हम लोगों को तो टोटल वक्र बोलेगा तो चारों तरफ तो वर्काकार ही है, ठीक है। और नहीं तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलेगा तो चारों तरफ ही हम लोग देखेंगे, इसमें कटआउट है तो नहीं है कि कुछ ऐड करेंगे। इसलिए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² और गोले के लिए याद रखिएगा कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है कितना, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है दोस्तों 4πr², यानी कि दोनों जो है यहाँ पे सेम होता है। गोले के लिए वक्र पृष्ठ बोलेगा फिर भी πr² ही बोलेंगे, और गोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा उसको भी हम लोग 4πr² ही बोलेंगे। अब लास्ट इसका पहुँचते हैं पॉइंट, गोले के आयतन पे, ये गोले का आयतन कितना होता है। तो गोले के आयतन आपको खुद समझना चाहिए कि अर्ध गोले के आयतन से 2 गुना होना चाहिए। तो 2/3 है तो उसको 2 से गुना करेंगे, 4/3 πr³। तो इस तरीके से हम लोगों का पूरा थ्योरी, पूरा फार्मूला खत्म हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। अब अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे 13.1 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से, लेकिन उसके पहले आपको इन सारे फार्मूले को एक जगह इकट्ठा कर और याद कर लेना अति आवश्यक है। फिर हम अगले दिन एक्सरसाइज 13.1 के पहले क्वेश्चन से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।